हेलो भैया जी, आज का ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिन बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। तो आज ब्लॉग बनाने का खास बात ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं टाटा सिल्वर में। कल से मैच स्टार्ट हुआ है, 20 अगस्त से मैच स्टार्ट हुआ है। तो आज 21 अगस्त है, तो मैच रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और दिखाएंगे कैसा टीम आएगा उसके बारे में। और पहला प्राइज वहाँ का 1 लाख है। तो अभी रास्ता में ही है, तो थोड़ा सा ब्रेक लिए थे कवाली के पास में। तो मौसम देखिए कितना सुहाना है, बोले तो बारिश आने वाला, बादल पूरा सा है और मस्त मौसम है। रास्ता का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। तो आगे जाके हम लोग ग्राउंड पहुंच के आप लोगों को दिखाएंगे ऐसा क्या है, कैसे कैसे प्लेयर आ रहे हैं, सभी आज के वीडियो में दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग में बने रहना, चलो पहुँचते हैं। तो फाइनली हम लोग ग्राउंड पहुँच चुके हैं। इधर टाटा सिल्वर की टीम वार्म अप कर रही है और ध्यान में रखते हुए ग्राउंड देख सकते हो, ये है ग्राउंड टाटा सिल्वर का। जल्द से जल्द मैदान में मैच होगा, आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो टीमें ग्राउंड की है और स्टेज के पीछे गाड़ी इधर खड़ा कर दिए। अभी तक कुछ माहौल ऐसा नहीं लग रहा, भीड़ भी नहीं लग रहा, पूरा खाली खाली है। शायद मैच स्टार्ट होने के बाद भीड़ होगा। आज भारत बंद भी है, इस कारण से भी शायद भीड़ कम हो रही है। A few moments later. तो ये है देख सकते हो, ये BMR महिलाओं का टीम को और ये टीम है टाटा सिल्वर FC का टीम, जिनमें से सेंट जॉन से खेले वाला राहुल भी है, इस गोलकीपर के तौर पे खेले ला है। बन हो जाए, मारना चाहे इस तरह से ब्लू पैंथर टाटा सिल्वर के प्लेयर के द्वारा शानदार गोल करते हुए। इसी के साथ ब्लू पैंथर टाटा सिल्वर की टीम शानदार गोल करते हुए। सम्मानित करेंगे हमारे संयोजक उमेश कुमार बराइक जी। उमेश कुमार बराइक जी से आग्रह होगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे चुनली जी को। काफी अच्छा पास यहाँ पर, और शानदार गोल यहाँ पर आता हुआ LDP स्पोर्टिंग की ओर से। यहाँ पर पहला गोल आता हुआ, काफी अच्छा क्रॉस और उतनी ही अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग। और इस तरह से LDP स्पोर्टिंग
इस मैच में 1-0 से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सेकेंड हाफ के बाद रोलांडो के स्टाइल में यहाँ पर पोज देते हुए खिलाड़ी। फिलहाल वन वर्सेस वन का मौका यहाँ पर काफी तेज गति से यहाँ पर एक खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छा पास और कोई मौका नहीं यहाँ पर। और इसी के साथ अलदीप स्पोर्टिंग 2-0 से आगे होते हुए इस मैच में काउंटर अटैक का उन्हें काफी फायदा मिला यहाँ पर, और इस जो 1-0 की बढ़त थी उसको दोगुनी करते हुए यहाँ पर अलदीप स्पोर्टिंग ठाकुर गांव की टीम। साथ ही आभार प्रकट करती है कि आपने इस फुटबॉल टूर्नामेंट में आकर हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। नूतन पहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कमेटी की ओर से इस मंच पर। और इसी बीच रेफरी सुरेश के द्वारा इस मैच का समापन होता हुआ, और मैं बता देना चाहूंगा कि इस मैच में विजय रही एलडीप स्पोर्टिंग की टीम, जिसने 2-0 से रोशन ब्रदर्स की टीम को मात दी है।